बेसिकली गजल गायकी में थोड़ा जो समझने वाली बात है कि गायक लोग थोड़ा सा गलती कर जाते हैं, गजल गायकी सबसे पहले पोइट्री है, गाना तो उसके बाद है, तो इतनी आप ताने मार दो उसमें कोई मतलब नहीं। जो पोइट ने कहा है अगर वो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है गजल गायकी का। वो फील उसमें जाना चाहिए, जिस मूड से उसने लिखा है वो फील आपको डिलीवर करना होता गजल में। जाने वाली चीज का हम क्या करें, गया दिया हम क्या करें। एक्चुअली टीम वर्क है, अब जिस टीम में विराट कोहली शिखर धवन जैसे खिलाड़ी हो तो कैप्टन को काहे की चिंता। अब इस शेर में देखिए मिर्जा साहब क्या मजबूरी है, एक सागर पर है अपनी जिंदगी, 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 रफ्ता रफ्ता इससे भी कम क्या करें, रफ्ता रफ्ता इससे भी कम क्या करें। जाने वाली चीज़, एक ही गिलास तो पीता हूं यार, और क्या, अब इससे कम क्या कर लें, इतना तो रहने दो। एक सागर पर है अपनी जिंदगी,
सुनो इश्क में, मुकाबला चल रहा है, मामला है आज हुस्नो इश्क में, मामला है, मामला क्या करें। सचमुच आपने सही बयां किया, यह हर मोहब्बत करने वाले के साथ होता है कि एक मकाम ऐसा आता है जब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हम क्या करें। उल्फत का असर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो अपना वो अपने से ही दूर होता है। दिल टूट कर बिखरता है इस कदर, जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। और सचमुच ये मोहब्बत जिसको मंजिल मिलती है वो खुदा की रहमत होती है उसके ऊपर। और कई ऐसे भी होते हैं जिनको मोहब्बत नसीब नहीं होती, वो क्या हो जाते हैं, शायर बन जाते हैं। जी हाँ, और शायरों ने क्या खूब लिखा है, अपने एहसास को, जज्बातों को बयां किया है, और उनको बयां करने आप जैसे शायर हमारे साथ हैं, गज़ल गायक हमारे साथ हैं। अब आप अगली पेशकश क्या रखने वाले हैं डॉक्टर साहब जी?